दो बेवकूफ भाई जो एक चूहा पकड़ने के लिए पूरे घर को ही एक ट्रैप में बदल देते हैं। कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जो अपने पिता की डेड बॉडी को लास्ट रिचुअल्स के लिए कब्रिस्तान लेकर जा रहे होते हैं कि तभी उनके हाथ से कॉफी नीचे गिर जाता है और स्टेयर से फिसलते हुए नीचे जाकर एक गाड़ी से टकरा जाता है। इस जोर के झटके की वजह से उनके पिता की डेड बॉडी कॉफिन से बाहर निकलकर गटर में जा गिरती है। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई एक लॉयर के साथ होते जो उन्हें बताता है कि उनके पिता ने उनके लिए एक मकान खरीदा था जिसे एक मशहूर आर्किटेक्ट ने बनाया था। प्रेजेंट समय में उस घर की कीमत काफी ज्यादा थी। वह दोनों भाई घर में एक चूहा देखते हैं तो वह उस चूहे के बिल के बारे की ट्रैप सेट करके रात को सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर वह देखते हैं कि उस ट्रैप में कोई भी चूहा मरा नहीं था। वह फिर से ट्रैप पर एक चीज का टुकड़ा सेट करके उसे लगाते हैं, लेकिन वह चूहा काफी ज्यादा चलाक होता है। जब वह दोनों भाई ट्रैप को सेट कर रहे होते हैं तो वह उनके पीछे से ही चीज का एक काफी बड़ा रोल लेकर चला जाता है, क्योंकि वह दोनों भाई अब चूहे से काफी ज्यादा तंग आ चुके थे तो वह पूरे किचन में ही एक नहीं बल्कि कई सारे ट्रैप्स लगा देते हैं। लेकिन जब वह दोनों दूसरे दरवाजे को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा लॉक होता है, जिसकी वजह से पूरी रात उन दोनों भाइयों को किचन में ही बितानी पड़ती है। सुबह उठकर वह दोनों भाई देखते हैं कि वह चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, लेकिन वह काफी होशियारी से सभी ट्रैप्स के साइड से होता हुआ किचन की शेल्फ पर जाकर चढ़ जाता है। चूहा एक चेरी को ट्रैप के ऊपर गिरा देता है और फिर वह चेरी दूसरी ट्रैप पर जाकर गिर जाती है। इस तरह से सभी ट्रैप्स ही एक साथ ही चलने लगते हैं जो उन दोनों भाइयों की बॉडी पर जाकर चिपक जाते हैं।